आज गरीब का बैंक में अपना खाता हो, आज बैंक जहां गए बिना गरीब भी अपने टेलीफोन से बैंक के खाते का उपयोग करता हो, सरकार के द्वारा दिए गई राशि सीधी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो, ये सब अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है, कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते? अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में, 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने प्लीज तमिलनाडु, मैं इसके लिए सहमत हूँ, कागज लेके बाद में बोल ले। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है।